लाहौर के एक निजी होटल विच अंबेडकर फोर्स पंजाब के प्रधान रणजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस विच भाजपा के लोकल लीडर भी पहुंचे हुए सन। गुरैया थाने के SHO भारी फोर्स समेत पहुंचे, जिस तो पता लगता सी रणजीत पवार भाजपा में शामिल हो रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों वालों विरोध किया जाने का पता लगा, यह कह के रद्द करती कि साढ़े लीडर बाहरों नहीं आए, इस करके मीटिंग रद्द की है। जदों इस संबंधी SHO परमिंदर सिंह नाल गल की, उन्होंने कहा कि भाजपा की मीटिंग सी, मेरी ड्यूटी कानून व्यवस्था रखन की है। जदों इस संबंधी जिला प्रधान भाजपा के अमरजीत सिंह अमरी नाल संपर्क किया, उन्होंने कहा कि रणजीत पवार जलंधर प्रेस क्लब भाजपा च शामिल हो रहे हैं। शान न्यूज़ तो अजय सिंह नागी की रिपोर्ट। वो अदरवाइज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कभी आती नहीं, सिर्फ BJP के प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस आती। देखो ये जवाब आ मौजूदा SHO साहब देंगे DSP साहब देंगे SSP साहब देंगे, क्योंकि मैं तो पुलिस को कॉल नहीं की। किसान जथेबंदियों की कॉल हो गई है तो आने लगे। देखो किसान जथेबंदियों का तो सानू कोई, देखो किसान जथेबंदियों वाले तो साढ़े भरा आ, उन्होंने उन्होंने पूछ लो कि पवार ने कोई गल करो तो मेरे भरा आ, असं हमेशा उन्होंने कि किसान जथेबंदियां आ रही हैं भी तुम इतों निकल जाओ, जे वो तुहाडे भरा आ तो फिर तुम इतों वापस क्यों जा रहे हैं? देखो जिदा मतलब बाकी सारे भरा कह कर लेंगे, पर मैनू लगता राजनीतिक मीटिंग है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मीटिंग अजे तक जो तक सा मसला उदो ना की जाए शायद। राजनीतिक मीटिंग कांग्रेस दी चल रही, बसपा दी भी चल रही, अकाली दल दी भी चल रही, सिर्फ BJP दी नहीं चल रही। नहीं देखो राजनीतिक जिहड़ियां पार्टियां है उन्होंने सारे का विरोध हो रहा, कोई इदा नहीं। मीटिंगां तो सारे दियां हो रहियां, रैलियां हो रही, नहीं विरोध भी हो रहा नाल जी, विरोध भी हो रहा, तुसी देख ही रहे हो। विरोध कभी होया नहीं, मैनूं अज भी नहीं लग रहा है विरोध होना। फिर तुसी कैंसल क्यों कर रहे हो? रीजन नहीं, कैंसल मैं तां कर रहा कि जिहड़े साडे मुख मेहमान आ रहे सी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रेस वाले वीर बेनती करदा कि चाह छको जी, प्रेस पोस्टपोन की अगे कद होगी हम जल्दी रख लेंगे, बस एक दो दिन जी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਤੌਰ SHO, ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.